नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो होली हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है, लेकिन वास्तव में होली को हर धर्म के लोग काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि होली प्रेम का पर्व माना जाता है। वैसे तो हर त्यौहार खुशियाँ लेकर आती है, जिसमें हमें अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। होली के पर्व से अनेक कहानियाँ जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। लेकिन होली पर्व का स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता गया। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं के द्वारा पूर्ण चांद की पूजा आराधना किया जाता था, ताकि परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती रहे। वैदिक काल में इस पर्व को नवत्रैष्टि यज्ञ के तौर पर किया जाता था, जिसमें अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का रिवाज था। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का आरंभ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह पर्व नववर्ष के आगमन तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक तौर पर दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन कहते हैं और दूसरे दिन, जिसे प्रमुखतः बिहार में धुलेंडी, धुरखेल या धुलिवंदन या अन्य नाम से जानते हैं। भारत को विविधता में एकता वाले देश की संज्ञा दी जाती है, जो कि यहाँ सच साबित होती है। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी देश विदेश की आकर्षण के केंद्र बिंदु बनी हुई है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं लाठियों से पीटती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 14 दिनों तक होली पर्व मनाया जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दूल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी को सूखा गुलाल खेलने का रिवाज है। छत्तीसगढ़ की होली में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में भगोरिया काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि होली का ही एक रूप है। वहीं नेपाल की होली में धार्मिक और सांस्कृतिक रंग दिखाई देते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने बिहार की, तो बिहार में फगुआ में जमकर मौज मस्ती करते हैं। बिहार की होली तो बिहार वासियों ने अनुभव किया ही होगा। पहले ऑर्गेनिक रंगों से होली खेली जाती थी, मगर अब लोग धूल मिट्टी गोबर कीचड़ से होली खेलने लगे हैं, जो आम तौर पर सभ्य समाज के सभ्य लोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन होली खेलने निकली टोलियों में ढोल झाल पर गीत संगीत, फगुआ यानी परंपरागत गानों की धूम मची होती है और इसी के साथ होली में चार चांद लग जाते हैं। धन्यवाद।